ये होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन है इस पॉइंट की, सही है? और अगर गौर से देखें एक्स आई वाई आई वन, ये भी होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन है इसी पॉइंट की, यस? एक्स आई और ये दोनों रिप्रेजेंटेशन है इसी कोटेशन की। जब मैं पी एक्स आई की बात करता हूँ तो जो पी एक्स आई का थर्ड क्वार्टर है वो जरूरी नहीं है वन हो, कौन भी उसके फैक्टर होगा, यस? यस, एक पॉइंट की जितनी भी होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन है वो सारी की सारी ए बी के लिए फैक्टर होंगे, इज दैट ओके? इसका मतलब है अगर मैं इसको कहूँ एक्स आई वैक्टर और ये मेरे पास हो ये वाला वैक्टर their cross product is their scale vector of integer. Yes, yes. Make sense? Yes. Their scale vector of integer. So, because ये और ये दोनों एक ही point के homogeneous representations हैं. Yes. Sir, ये क्या है? Right. Sir, आप एक point है. तो जो image में पीछे point आ रहा है वो तो x side जो कि आपने है. तो इटसेल्फ ही इसका होमोजेनियस होमोजेनियस इक्वेशन है इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो ये कैमरा मैट्रिक्स बीच में क्या कर रहा है और कैमरा मैट्रिक्स आ किस तरह आना है कैमरा मैट्रिक्स मैं मेरा समय गोल ये है कि मैं कैमरा मैट्रिक्स को एस्टीमेट करूं कि कैमरा है क्या। फॉर एग्जांपल 3D नंबर पॉइंट है तो कैमरा मैंने लाके फिक्स किया, मैंने कैमरा की फोकल लेंथ सेट की जो भी मैंने वही सेटिंग करी। अब मुझे ये चाहिए कि इस कैमरा का मुझे 3x4 कैमरा मैट्रिक्स है वो क्या है, ये मुझे क्यों चाहिए? क्योंकि बाद में मैं 3D रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ। जब कभी मैं 3D रिकंस्ट्रक्शन करना चाहूँगा तब मुझे कैमरा मैट्रिक्स चाहिए होगा, तब चाहिए होगा। इमेजिंग प्रोसेस में मुझे कैमरा मैट्रिक्स नहीं चाहिए, कैमरा इज डूइंग इमेजिंग। लेकिन मुझे ये जरूर चाहिए कि कैमरा मैट्रिक्स क्या था जिसने 3D को इस लोकेशन पर मैप किया है ताकि मैं 2D को वापस कन्वर्ट कर सकूँ 3D रे के अंदर। इसलिए मुझे कैमरा मैट्रिक्स 3D रिकंस्ट्रक्शन के वक्त चाहिए। कैमरा मैट्रिक्स इटसेल्फ है क्या क्या चीज है? ये भी कैमरा की ज्योमेट्री को इंपोर्ट करता है, पूरी कैमरा की ज्योमेट्री को। फॉर एग्जांपल कैमरा के अंदर काफी सारी चीजें हैं, पूरी ज्योमेट्री कैसे आ रही है। पिन होल कैमरा मॉडल है, कैमरा के अपने एक ओरिएंटेशन है जिसको हम कैमरा एक्सिस कहते हैं। कैमरा इस वक्त कहां पे देख रहा है, जहां कहीं कैमरा देख रहा होगा उस तरफ को कैमरा का z-axis जा रहा है, बाकी x हो रहा है। कैमरा इस वक्त वर्ल्ड के लिहाज से कहाँ पे है, वर्ल्ड के लिहाज से कैमरा की पोजीशन क्यों चाहिए? क्योंकि कई दफ़ा जो रिकंस्ट्रक्शन आपने करनी है हो सकता है इसी वर्ल्ड की फिक्स वर्ल्ड के लिहाज से आप करना चाह रहे हैं, हो सकता है कैमरा भी वर्ल्ड के लिहाज से आप कंट्रोल मूवमेंट में लेके आ रहे हैं, कैमरा रोटेट कर रहा है ट्रांसलेट हो रहा है फिक्स वर्ल्ड के लिहाज से बड़ी कंट्रोल एतबार से। सो हर मूवमेंट के बाद कैमरा अगर 3D कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो 3D कंस्ट्रक्शन किसी अगर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिहाज से हो रही है तो इस वक्त कैमरा की ओरिएंटेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस वक्त कैमरा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूर कितना है, एक तो ये कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है वो दूर है। ये सारी ज्योमेट्री आई मीन दीज आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स, कैमरा की ओरिएंटेशन क्या है, कैमरा की ट्रांसलेशन क्या है, कैमरा का प्रिंसिपल पॉइंट ऑफसेट है कितना है, कैमरा में स्क्यू पैरामीटर ऑन है ऑफ है, कैमरा का फोकल लेंथ इस वक्त कितनी है, ऑल दीज ये सारी की सारी ज्योमेट्री एक मैट्रिक्स 3x4 मैट्रिक्स में इंक्लूड हुई थी। ऑर्डर मतलब 3x4 यस। जब आप कैमरा मैट्रिक्स बनाते हैं तो इट टर्न्स आउट टू बी अ 3x4 मैट्रिक्स। लेकिन फिर भी मुझे ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि कैमरा मैट्रिक्स को उस पॉइंट से प्रोडक्ट करके हम कैसे होमोजेनियस इक्वेशन कह रहे हैं कि हमें क्यों मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। ओके सो आई गेस कि आपने पिछले लेक्चर्स की वीडियोस देखी ना आपने जो मिस किए थे आपने। नहीं मैंने देखी, मैं समझ गया था। ओके सो इनफैक्ट होता ही है ये इमेज प्लेन है, इसकी इक्वेशन है z equals minus f, that's equation है। ये कोई पॉइंट है x वर्ल्ड के अंदर, इस पॉइंट को अगर मैं कैमरा सेंटर c से जॉइन करूं तो एक रे बनेगी वो रे जहां से जहां पे इसको इंटरसेक्ट करेगी दैट इज द प्रोजेक्शन। इट टर्न्स आउट कि प्रोजेक्शन जो होती है f x over z अगर इसके अगर ये वेक्टर हो और इसके पॉइंट्स हों x y z and then we have this f y over z clear?
ये पूरी ज्योमेट्री ये बताती है इस रे का इस प्लेन के साथ इंटरसेक्शन आएगा, सॉरी माइनस साइन, दिस इज द रिजल्ट. और इससे पता ही चलता है कि दिस रिजल्ट इज अचीवेबल अगर मैं सिंपली इसको होमोजेनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं और इसके साथ एक खास किस्म का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करूं जिसकी फॉर्म ये. फिर रिजल्ट आएगा माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई एन जी. अब जब मैं इसको नॉन होमोजेनाइज करूंगा आई विल गेट माय इक्वेशन बैक. सो नॉन होमोजेनाइज करने से पहले तक एवरीथिंग बिकम्स इन अ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. सो ये एक मैट्रिक्स है जो इस ज्योमेट्री को इनकोड करता है. सो मैं कहूंगा अच्छा ये मैट्रिक्स जो है इट एक्चुअली हैज कैमरा ज्योमेट्री और समटाइम्स हम कहते हैं दिस इज अ कैमरा मैट्रिक्स. अच्छा इस कैमरा मैट्रिक्स में सिर्फ फोकल लेंथ नहीं और एडिशनल चीजें भी होती. फॉर एग्जांपल अगर इसका प्रिंसिपल पॉइंट ऑफसेट कहीं और हो तो इस मैट्रिक्स में कुछ और चीजें हैं डाल देंगे, लेकिन अगेन इट विल स्टिल बी अ मैट्रिक्स दैट मैप्स दिस पॉइंट टू दैट. अब ये जो पॉइंट है ये अगर कैमरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिप्रेजेंटेड हो तो दिस ज्योमेट्री वर्क्स. अगर ये पॉइंट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेड हो तो फिर हमें तो ये अप्लाई करने के लिए इस पॉइंट के कैमरा कोऑर्डिनेट्स हैं. अगर हमें कैमरा कोऑर्डिनेट्स पता हो वर्ल्ड के लिहाज से और कैमरा का ओरिएंटेशन वगैरह और इस पॉइंट को भी वर्ल्ड के लिहाज से हमें पता हो तो हम एक खास किस्म का लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं कि हम इस पूरे स्पेस को इस तरह से ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट और रोटेट करें कि कैमरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्चुअली बिकम्स वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो चूंकि सारी चीजें इकट्ठी हो रही है इमेज लोकेशन चेंज नहीं होगी इसको यहाँ से, सही है. And this introduce, this particular thing introduce an extra transformation which is rotation as well as translation. ये जो matrix है ये है 3 by 4, इसके साथ homogeneous coordinates हैं ये matrix multiply होता है which is 4 by 4 और ये matrix multiply होता है which is 4 by 4. So this whole matrix actually maps a 3D location to 2D location in homogeneous coordinates. बाद में हम उसको non-homogeneous करते हैं. This 3 by 4 matrix is termed as camera matrix. It has all the cameras. Yes? Okay. Fine. अगर हम दोबारा यहाँ पे आएं, so this camera P, now this should make sense. P कोई camera matrix है, तो x i को इस point पे map करता है. और इस point की एक homogeneous representation दी है, और इसी point की एक homogeneous representation दी है. मैं इसको कह रहा हूँ x i vector, और इसको कह रहा हूँ p x i vector. इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के स्केल फैक्टर हैं और जब स्केल फैक्टर्स होते हैं तो वेक्टर्स ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. दैट्स बाय डेफिनेशन, सही है जी. अब क्रॉस प्रोडक्ट को अचीव करने का तरीका मैंने लास्ट टाइम लिखा था वो ये था, रिमाइंड मी इफ आई एम रॉन्ग. अब ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर अचीव करना है तो यहाँ इस मैट्रिक्स इस वेक्टर से आप एक मैट्रिक्स बना सकते हैं और इस वेक्टर को उससे जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट योर क्रॉस प्रोडक्ट रिक्वायर्ड क्रॉस प्रोडक्ट, सही है. और जरा गौर से देखिए अगर मेरे पास कैमरा मैट्रिक्स P हो जो कि जिस फॉर्म में है, P1 इज द फर्स्ट रो, P2 इज द सेकंड रो, P3 इज द थर्ड रो, देन दिस इज XI which is in homogeneous form. Remember, xi is column, pi is row. Then p1xi is the first coordinate of this product. So, we multiply them to the first coordinate here, second coordinate here, third coordinate here. ठीक है जी? ठीक है. और मैंने इसका, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उसको जीरो पर सॉल्व करना है. Make sense? सही है? ओके. सो अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं अपने उस वेक्टर से एक्स आई वाई आई वन से तो कुछ यूं बनेगा 0 माइनस 1 वाई आई देन वी हैव 1 एंड माइनस वाई आई देन वी हैव 0 माइनस एक्स आई एक्स
ठीक है। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, याद रखें ये पी वन एक्स आई, मैं जरा गौर से देखिएगा, दिस इज पी वन, दिस इज एक्स आई, दिस इज पी वन, दिस इज एक्स आई, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ये डॉट प्रोडक्ट बनेगा, सही है। द डॉट प्रोडक्ट विल स्टे सेम, अगर मैं एक्स आई का ट्रांसपोज ले लूं और इसको एक रो बना दूं और पी वन का ट्रांसपोज ले लूं और इसको एक कॉलम बना दूं, तो ये वही है, सही। सो आई कैन राइट दिस p1 xi as xi transpose p1 transpose, सही है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि p को मैं फैक्टर आउट कर सकूं, बाय निकाल सकूं मैट्रिक्स से, क्योंकि p के अंदर वो नंबर्स हैं जो मैंने अभी निकाल दिए, सही है जी। सो आई एम राइटिंग दिस एज xi transpose p1 transpose, दिस इज रो नाउ एंड दिस इज कॉलम, xi transpose p2 transpose xi transpose p3 transpose, और ये क्रॉस प्रोडक्ट ये इक्वल है जीरो के, ठीक है। यस यस चलिए आगे। ओके, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं आई विल गेट द फॉलोइंग, यहां पर किसी को सवाल है तो पूछना प्लीज, यहां पे बॉस देखेंगे ये जो जीरो ट्रांसपोज है, ये चार जीरोस हैं रो के अंदर, फिर ये चार नंबर्स ये हैं, फिर चार नंबर्स ये हैं, ये चार नंबर्स क्यों, क्योंकि ये एक नंबर है और ये चार का वेक्टर है, रो है, सो ये टोटल 12 की एक रो है और ये 12 का एक कॉलम है, और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें आपस में तो आप वही प्रोडक्ट निकालेंगे जो इन दोनों मल्टीप्लाई करने से आया। इस फॉर्म में लिखने का फायदा क्या है, इस फॉर्म में लिखने का फायदा ये है कि हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं जिनको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो बिल्कुल सेपरेट आउट हो गए हैं, और वो चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता है या जो 3D इक्वेशन या 2D इक्वेशन जो हमें कैलकुलेट कर लिए उनका मैट्रिक्स हमने सेपरेट कर लिया। यस, एक वैल्यू को जो ग्राफ कॉलम में पहली बात ये पी वन जो है इसमें अगर आप पी वन को गौर से देखेंगे इसमें चार नंबर्स हैं, पी टू में चार नंबर्स हैं, पी थ्री में चार नंबर्स, मैं इनके ट्रांसपोज देख के कैटिनेट करूँ तो चार 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 बारह, सो ये तो समझ में आता है कि ये बारह नंबर है, ठीक है। अब एक्स आई के अंदर चार नंबर हैं, एक्स वन कोऑर्डिनेट, एक्स टू कोऑर्डिनेट, एक्स थ्री कोऑर्डिनेट और एक होमोजीनियस वेक्टर, ये चार नंबर है, ये भी चार नंबर है, ये एक नंबर है मल्टीप्लाई हो गए चार नंबर है, सो चार ये आठ हो गए, ये चार मैंने खुद जीरो से बैठ किया खुद, सो ये बारह हो गए, ये 12 जब इन 12 से मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट वो आएगा और वो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से आता है, मेक सेंस। सिमिलरली ये 12 ये और ये, क्लियर, ठीक है जी। सो अब समझ आ रही है नहीं, यस सर, अच्छा सर जी, इसका इस मैट्रिक्स का इस इसका फिलहाल इसका ऑर्डर है 3/12, फिलहाल इसका ऑर्डर है 3/12 और इसका ऑर्डर है 12/1 और इसका ऑर्डर है 3/1, अगर बोर भी हो रहे हैं तो मुझे ताजी हम थोड़ा सा तेज भी हो जाए।
समझ आ गई? Yes, सही है। Yes, sir. सही है। अच्छा अब मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। ये जो पहली इक्वेशन है अगर इसको इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ये वेरिएबल्स है ना जिनको आप फाइंड आउट करना चाहते हैं और ये वो चीजें हैं जो आपने खुद से मैयर की हुई है, वर्ड कोऑर्डिनेट्स में मैयर किए हैं खुद से और इमेज कोऑर्डिनेट्स भी आपने मैयर किए हैं। सो दिस इज समटाइम्स कॉल्ड डेटा मैट्रिक्स। ये आपको गिवन है, आपने पहले से एस्टिमेट किया है, खुद से निकाला है। ये आपने निकालना है कौन सा मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, वो कौन से ये 12 वेरिएबल्स से। ये 12 नंबर्स आपने निकाला है, 12 नंबर्स यानी 12 वेरिएबल्स को निकालने के लिए आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। अब ये लीनियर सिस्टम है आपके पास, आपको पता होगा जब आपने कभी पढ़ा था, जब आपने कभी पढ़ा था तो ये लोगों के लीनियर सिस्टम है। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हों, दो अननोन्स हों, तो कम से कम दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं उनको एक यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। कम से कम अगर चार वेरिएबल्स हों तो कम से कम चार इक्वेशंस चाहिए होती हैं यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए। और बच्चे कम से कम चार इक्वेशंस में कोई प्रॉपर्टी होती है, यानी कि कोई सी चार इक्वेशंस हैं खास किस्म की प्रॉपर्टी होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 12 वेरिएबल्स हैं, तो 12 के 12 वेरिएबल्स की वैल्यू तो निकल जाएगी। समझ आ रही? क्योंकि इक्वेशंस 3 हैं, 3 इक्वेशंस मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स को लॉक कर सकेंगे, बाकी 9 वेरिएबल्स फिर अननोन रह जाएंगे या फ्री रह जाएंगे। फिर बात समझ आ रही? सो वी नीड मोर एंड मोर इक्वेशंस, वी नीड मोर एंड मोर इक्वेशंस टू सॉल्व फॉर दीज वेरिएबल्स। ये क्लियर हो गया? लेकिन अभी अगर इन तीनों को भी गौर से देखें ना तो इन तीनों में भी एक खास किस्म का रिडंडेंसी पाई जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। फर्स्ट क्या है, आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं और आपके पास एक इक्वेशन है x 2x माइनस 3y 2x प्लस माइनस 3y इज इक्वल टू 0। फर्स्ट करें आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं और एक रिस्ट्रिक्शन है, एक इंफॉर्मेशन है 2x minus 3y is equal to 0, सही है? यानी यूं समझ लें, आपसे कोई कहता है कि आप मैंने दो नंबर सोचे हैं अपने ज़हन में और वो दो नंबर इस तरह के हैं कि आप पहले नंबर का अगर डबल लें और दूसरे नंबर का ट्रिपल लें तो डबल इज इक्वल टू ट्रिपल, मैंने कौन से दो नंबर सोचे। आप अगर ये सवाल आप पोस्ट करेंगे ना, यानी तो अभी भी जाहिर है अगर अगर मैं कहता हूँ मैंने दो नंबर सोचे हैं उनमें प्रॉपर्टी ये है कि पहले नंबर का डबल बराबर है दूसरे नंबर का ट्रिपल, तो अब ऑब्वियसली ये पेयर तो गया, दिस इज ऑब्वियसली नॉट इन हिज माइंड। समझ आ गई? क्योंकि अगर मैं इसका डबल दूं इसका ट्रिपल हो गया हमारे ऊपर, बहुत सारे पेयर्स हैं तो ऑब्वियसली इस इंफॉर्मेशन के बाद दे आर नॉट द कैंडिडेट्स। लेकिन अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं दैट आर कैंडिडेट्स। समझ आ रही? तो इस इंफॉर्मेशन के बाद कम तो हुई है आपकी सरदर्द, कम तो हो गई है लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा है। देयर आर इनफिनिटली मेनी प्लेयर्स दैट सैटिस्फाई दिस, यस नो? अब अगर मैं आपको एक और इक्वेशन दूं, या यूं समझें कि वो आप आपसे कहते हैं कि मेरे मैंने दो नंबर सोचे हैं, पहले का डबल बराबर है दूसरे के ट्रिपल के, बताओ कौन सा नंबर है। अब कहते हैं यार कोई और हिंट दो, कोई और हिंट बताओ। अब वो हिंट बताने लगता है, अच्छा हिंट ये, एक और हिंट दे देता है। और कहते हैं द हिंट इज, लेट मी गिव यू अनदर हिंट, द हिंट इज के अगर आप उन दोनों नंबर्स को ऐड करें ना, वो जो दोनों नंबर मैंने सोचा है, द आंसर बिकम्स 20। समझ आ रही है? अब ये जो एक और इक्वेशन मिली है, एक और हिंट मिला है, इट विल हेल्प यू नैरो डाउन योर सर्च स्पेस। अब वो जो बहुत सारे प्लेयर्स थे वो बहुत सारे नहीं रह गए, अब कुछ कम प्लेयर्स रह गए, या शायद एक रह गया हो या शायद एक भी ना हो, व्हाटएवर। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जो पहले कैंडिडेट थे इस फॉर्म में, अब वो यहां पे कैंडिडेट नहीं रहे। समझ आ रही बात? यस सर। सो हम ये कहते हैं इसको कि इस इक्वेशन ने हमें कोई इंफॉर्मेशन दी है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने की, इस इक्वेशन ने भी हमें कोई इंफॉर्मेशन या हिंट दी है वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। सो एवरी इक्वेशन इट गिव्स यू एन इंफॉर्मेशन और हिंट टू सॉल्व फॉर वेरिएबल, यस नो? यस। अब जरा बॉक्स देखिए,
यहाँ से निकाल ही सकते हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि यार बंदा हिंट बता ही जा रहा है, तो मैं क्यों खत्म एक और हिंट पूछ लेता हूँ। आप कहते हैं कोई और हिंट बताओ यार उन दो रंगों के बारे में, तो सोचा है तो उसने कहा चले ठीक है मैं आपको एक और हिंट बताता हूँ। अगर आप पहले नंबर का ट्रिपल ले लें और उसमें से दूसरे नंबर का डबल सब्ट्रैक्ट कर लें यू विल गेट 20। अगर आप पहले नंबर का ट्रिपल लें उसमें से दूसरे नंबर का डबल सब्ट्रैक्ट कर लें यू विल गेट 20। अब नाउ आई गिव यू अ लॉट ऑफ हिंट्स, हो सकता है आप और भी लेना चाहें, सही है, लेकिन जरा गौर से देखिएगा, दिस इज यूजलेस। Why? जो इंफॉर्मेशन इसने देनी थी ना आपको वो ऑलरेडी इन दोनों में कर लेंगे पहले। क्यों? अगर मैं अगर ये भी दुरुस्त है ये भी दुरुस्त है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करूं राइट हैंड साइड को ऐड करूं, आई दिस दिस इज नॉट अ न्यू इंफॉर्मेशन। एक्स और वाई को सॉल्व करने के लिए अगर ये दो हिंट्स अवेलेबल हैं दिस इज नो लॉन्गर अ न्यू इंफॉर्मेशन। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको कहूँ मेरे पास मैंने एक नंबर सोचा है उसका डबल आठ है और उसका उसका अगर मैं डबल का फिर डबल करूं तो 16 आ जाता है। परिभाषा में आई? तो ये जो बात उसने दिया है बड़ी इंफॉर्मेशन बताई है, दिस इज नॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आई मीन दिस इज नॉट दिस इज यूजलेस एज लॉन्ग एज यू यू वांट टू सॉल्व फॉर अ वेरिएबल। परिभाषा में आई? यस ठीक है। सो इसको हम कहते हैं दिस इक्वेशन लीनियरली डिपेंड्स अपॉन दीस टू, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दीस टू कंटेन, व्हाटएवर इंफॉर्मेशन दिस कंटेन इट इज देयर इन ऑलरेडी दिस। और जब ये वेरिएबल्स को सॉल्व करने जाएगी तो ये इक्वेशन हो ना हो एक ही बात है। परिभाषा में आई? ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि यहाँ पे भी जो तीसरी इक्वेशन है ना दिस एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द फर्स्ट टू। अभी तो हम कह रहे थे ना कि तीन इक्वेशन में 12 वेरिएबल है, एक्चुअली दो इक्वेशंस जो हैं वो इफेक्टिव हैं, एक इक्वेशन वैसे ही बाकी दो पे डिपेंडेंट है तो वैसे ही इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो गौर से देखिएगा इस सिस्टम में, जरा गौर से देखिए रो 3, जो रो 3 ये है इट इज अचीवेबल बाय अदर टू रोस इन द फॉलोइंग वे। अगर मैं रो 1 को माइनस एक्स आई से मल्टीप्लाई करूं और रो 2 को माइनस वाई आई से मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं गेट रो 3। चेक करें इफ आई मल्टीप्लाई रो 1 विद माइनस एक्स आई एंड आई मल्टीप्लाई रो 2 विद माइनस वाई आई एंड आई ऐड टू रोस टुगेदर आई गेट रो 3। चेक करें ऐड करके यस सर। ओह या पॉइंट के लिए ना अगर आई वैल्यू 1 हो तो
तो फर्स्ट पॉइंट के लिए ये इक्वेशन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के लिए दो इक्वेशन आ जाएंगी, वापस स्टैक हो जाएगी, वो भी यही रिलेशनशिप। हर पॉइंट के लिए रिलेशनशिप तो यही है ना। अगर ये रिलेशनशिप आईथ पॉइंट के लिए है तो दिस इज ट्रू फॉर एवरी आई। सो हर पॉइंट के लिए ये रिलेशनशिप ट्रू रहना है। यहां पे दो रो आएंगे x2 के लिए, यहां पे दो रो आएंगे x3 के लिए, एंड सो ऑन। तो छह पॉइंट सही है बस, एटलीस्ट जी। x2 के लिए जो पॉइंट आए, x2 के लिए जो कंडीशन आई हुई है, जीरो ट्रांसपोज सेकंड वाले के लिए, टू ट्रांसपोज y2 x2 ट्रांसपोज, x2 ट्रांसपोज जीरो ट्रांसपोज माइनस x जो पॉइंट नंबर दो पर लिया था उसके लिए। अगर मैं दो दोस्त को उठा के इसके नीचे स्टैक करूं, यहां पे दो जीरोस बढ़ा दूं, अब वो तो वो, लेकिन आप मेरे पास चार रोज आ रही हैं। अगर मैं एक पॉइंट कॉरेस्पॉन्डेंस और ले लूं, मेरे पास छह रोज हो जाएगी। 12 वेरिएबल्स हैं, कितने पॉइंट्स हो? कम से कम छह। एक्चुअली इसको कहते हैं 5.5 पॉइंट्स कहते हैं, वो 5.5 की मैं बताऊं तो कितने वाले हैं, 6 पॉइंट्स हैं कम से कम, सही है। अगर 6 पॉइंट्स मिलेंगे तो सारे के सारे वेरिएबल्स लॉक हो जाएंगे, लग ही है। यस नो? सो जब आप स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उस पे 6 पॉइंट्स मार्क करें। एक और चीज, वो छह के छह पॉइंट्स, उनमें से कोई से तीन पॉइंट्स किसी एक प्लेन में ना हो, अदरवाइज होगा ये कि अब भी कोई इक्वेशंस होंगी जो बाकी पे डिपेंड कर जाएंगी। बिल्कुल, तो फाइनल जनरल पोजीशंस पे लेके आए, और एक्चुअली तीन पॉइंट्स होंगे छह प्लेन बनाएंगे, कोई से चार पॉइंट्स होंगे को प्लेन ना हो, यू पिक एनी फोर पॉइंट्स, दे शुड नॉट बी को प्लेन। तीन पॉइंट्स जब भी लेंगे दे फाइनल। हां चलो, सही है। स्ट्रक्चर इस तरह का खड़ा करेंगे, आप कोई भी चार पॉइंट उठा लें तो चार के चार किसी एक प्लेन में ही है। अगर इस तरह के छह पॉइंट्स आपने ले लिए हैं तो अब कोई भी हर इक्वेशन इन्फॉर्मेटिव होगी, और अब हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब सवाल सिर्फ ये है कि हाउ टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम। ये इसको मैं इरेज कर दूं, इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दूं इसको, यस सर। इनका सवाल ये है कि रो आपने डिलीट की थी, इधर से ये जीरो डिलीट किया, तो इधर से कुछ डिलीट नहीं करना, नहीं ये पैरामीटर तो सारी इक्वेशंस में शेयर्ड है, डिलीट पैरामीटर था इस इक्वेशन के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसी को ये को डिलीट करना है, तो इसके कोएफिशिएंट्स को डिलीट करना है, ये पैरामीटर्स ये वेरिएबल्स तो इसके लिए भी वही है, इसके लिए भी शेयर है, सही है। यस, अगर मैं
आएंगे ना वो बाकी पॉइंट्स भी किसी रोज के साथ वो डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड दे विल नॉट गिव मी इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन. जैसे सिंगल लाइन के हिसाब से देखें एक लाइन में अगर मैं दो पॉइंट उठाता हूँ तीसरा भी उसी लाइन को उठा लेता हूँ तो फायदा नहीं है. यस चौथा उठा लो उसी लाइन पर तो फायदा नहीं है. यस आई मीन नंबर स्पेसिफिकली फोर क्यों है दो के दो सेम लेन के होंगे इसका मतलब दोनों की कोई एक ना एक एक्सिस सेम होगी हमें तो कोई दो भी पॉइंट से लेन पे लेना चाहिए. नहीं मैं कह रहा हूँ तीन पॉइंट्स है ना वो ऑलरेडी डिफाइंड है. एक एक होती है जनरल पोजिशन पॉइंट्स की. जनरल पोजिशन जो होती है कि जिसमें जितनी की सिमेट्रीज आप ब्रेक कर सकते हैं मुकाबले फॉर एग्जाम्पल मैंने चार पॉइंट्स प्लेस करने तो जनरल पोजीशन ये होगी कि जितना ज्यादा आप उनको स्कैटर्ड वे में प्लेस कर सकें सो दैट कि इनको ज्योमेट्रिक शेप फिट नहीं कर सके जो लोड मैचिंग पॉइंट है. सिंपल ये है कि आप चारों को चार पॉइंट्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हैं दैट्स द फर्स्ट पोजीशन. दूसरी ये है कि आप चारों को एक लाइन पे प्लेस करते हैं. तीसरा ये कि आप चारों को एक प्लेन पे प्लेस करते हैं. चौथा ये कि आप चारों को इस तरह से प्लेस करेंगे वो एक प्लेन में ना. अब पांचवा पॉइंट लेके आता हूँ. पांचवा पॉइंट है कोई से तीन एक प्लेन में ना और कोई से चार एक प्लेन में ना दैट्स मोर जनरल पोजीशन. इस केस में जो आपको इक्वेशंस मिलेंगे दे विल बी डिपेंडेंट. मेक सेंस? यस. आपको सम अप टू अ सर्टेन नंबर ऑफ इक्वेशंस से डिपेंडेंट होगी या नहीं ये आपको 100 पॉइंट्स पर सारे डिपेंड आना शुरू हो रहे हैं. ये मैं भी डिस्कस करता हूं कि कितने पॉइंट्स तक ये डिपेंड होती है. सही है जी? यस मेक सेंस? यस सर. और अगर मैं चार का थोड़ा सा मजीद आपको बताऊं तो तीन पॉइंट्स हैं. तीन पॉइंट से अगर चौथा भी लेट्स से प्लेन के अंदर है तो तीन पॉइंट से आप उस प्लेन की बेसिस निकाल सकते हैं. लिहाजा आप जो चौथा पॉइंट आ गया ना वो एक बेसिस में रिप्रेजेंट हो जाएगा. लेकिन अगर तीन पॉइंट एक लाइन पे होंगे नहीं तीन पॉइंट से प्लेन बना रहे हैं लेट्स से अगर तीन पॉइंट से लाइन पे तो फिर तो नहीं हो सकता. हां मैं कह रहा हूं अगर चार पॉइंट्स को प्लेन है हां ठीक है और प्लेन के अंदर वो लेट्स से स्कैटर्ड है कोई एक लाइन नहीं है प्लेन के अंदर जनरल पोजीशन. तो अगर मैं तीन पॉइंट्स बनाऊं तो इन तीन पॉइंट्स से मैं प्लेन की बेसिस या एक्सिस कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं. फर्स्ट एक्सिस एंड द सेकंड एक्सिस. यस जब मुझे प्लेन की बेसिस इन तीन पॉइंट्स से मिल गई ना तो वंस आई हैव बेसिस ऑफ द प्लेन आई कैन रिप्रेजेंट एवरी पॉइंट इन द प्लेन इन दोस बेसिस. तो अब चौथा पॉइंट जो है ना वो इन इन में रिप्रेजेंटेड होगा. सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द थ्री गिवन. दैट्स व्हाई वी शुड हैव. ओके कंडीशन ये है आपके पास लेट्स से n पॉइंट्स थे 3d में n तो हर पॉइंट ने आपको दो रोज दे दी दो इक्वेशंस दे दी. सो आपका ये जो मैट्रिक्स a है जो वो वन लेफ्ट मैट्रिक्स है इसका साइज होगा 2n / 12 जो आपने फाइंड आउट करना है कि 12 नंबर्स हैं राइट साइड पे 0. सही है जी? यस सर. ओके अब इसको देखते हैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं. 12 वेरिएबल्स हैं आपको कम से कम के 6 पॉइंट्स चाहिए. सही है? क्यों? अगर 6 से कम पॉइंट्स होंगे तो सारे के सारे वेरिएबल्स लॉक नहीं होंगे और हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे. यानी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कैमरा ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है. मेरी बात समझ आ रही? इन पर्टिकुलर अगर मेरे पास पांच पॉइंट्स हों एग्जैक्टली पांच पॉइंट्स तो मेरे पास ये जो ए मैट्रिक्स आएगा इसमें 10 इक्वेशंस होंगी और फर्स्ट करें तो 10 के 10 इंडिपेंडेंट हैं सारे. तो इस मैट्रिक्स की हर इक्वेशन विल बी एबल टू लॉक वन वेरिएबल. 10 वेरिएबल्स लॉक होंगे दो फ्री रह जाएंगे. वो जो दो फ्री वेरिएबल्स रह जाएंगे ना उसमें मैं किसी एक को कहूंगा लेट्स से t1 दूसरे को कहूंगा t2 और पूरा जो वेक्टर है वो इस फॉर्म में लिख सकूंगा t1 टाइम्स दिस प्लस t2 टाइम्स दैट. ये कोई 12 नंबर ये कोई 12 नंबर ये x इस फॉर्म में है अगर दो वेरिएबल फ्री है. सही है? अब ये इस तरह की ये जो यानी x जो भी है वो a की नल स्पेस में. x इज इन द नल स्पेस ऑफ a फॉर श्योर. व्हाई? बिकॉज़ a मैप्स x टू 0. लेकिन अगर मेरा रैंक
यानी टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, अगर वो नंबर ऑफ कॉलम्स यानी वेरिएबल से काफी कम हो तो जितना रैंक कम होगा नल स्पेस उतनी बढ़ती चली जाएगी। सही है जी। अगर रैंक फॉर एग्जांपल 10 है, 10 इक्वेशंस है, 10 रैंक है, तो नल स्पेस 2 डायमेंशनल आएगी। किसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, नल स्पेस अगर 2 डायमेंशनल आएगी इसका मतलब है कि पूरी एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, 12 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पूरी एक 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसका एक एक्सिस है ये वाला, एक एक्सिस है ये वाला, और उस पूरी स्पेस के अंदर 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हर पॉइंट जिसके बराबर नंबर्स हैं दैट पोटेंशियली माइट बी अ कैमरा। चूंकि ये 2 डायमेंशनल स्पेस में है ये जो है इसमें हर पॉइंट दूसरे पॉइंट का स्केल फैक्टर होना जरूरी है। कोई बात समझ में आ रही? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इन्फिनिटली मेनी कैमराज आ जाते हैं लेकिन हर कैमरा यानी हर 12 वाला वेक्टर दूसरे 12 वाला वेक्टर का स्केल फैक्टर होता तो वी वुड हैव बीन हैप्पी, क्योंकि कैमरा ऑलरेडी होमोजीनियस होता है। तो भाई एक दूसरे का स्केल फैक्टर है तो मैं किसी एक को भी नॉन होमोजीनाइज कर दूंगा, सबको कर लूंगा एट द सेम कैमरा बैक। अगर आपका रैंक 11 से कम होगा, 11 से कम होगा तो जो पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके आपके पास आएंगे वो इतने ज्यादा होंगे कि यू कैन नॉट लॉक फॉर विच कैमरा। आई मीन देयर इज इन दिस डायरेक्शन एवरीथिंग इज इन द स्केलर मल्टीपल, इन दिस डायरेक्शन एवरीथिंग इन द स्केलर मल्टीपल, इन द डायरेक्शन इनसाइड यू पिक सम कंपोनेंट फ्रॉम देयर, सम कंपोनेंट फ्रॉम देयर एंड देयर, दे आर नॉट होमोजीनियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन कैमरा, दैट्स अ प्रॉब्लम। अगर रैंक मजीद कम होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर रैंक हो 9, द नल स्पेस बिकम्स 3D, दैट मीन्स देयर इज मोर एम्बिग्युइटी, आई डू नॉट नो व्हिच कैमरा इज दिस, देयर आर सो मेनी कैमरा दैट सैटिस्फाई दैट सॉल्यूशन, और हर कैमरा दूसरे का पोटेंशियली स्केलर मल्टीपल होना जरूरी नहीं है। जी सर, ये 2D नल स्पेस वाली बात समझ में आ रही है, आप कैसे मैप कर रहे हैं? इफ द रैंक इज 10, द 10 वेरिएबल्स विल बी लॉक्ड, 2 variables will be free. Let's say x12 is free and x11 is free. If x12 is let's say t2 and x11 is t1, all the rest 10 variables can be written in the terms of t1 and t2. Ab jab main unko t1 aur t2 ko split karke likhunga, t1 times some vector of constants, t2 times some vector of constants. Aur agar aap ye dekhenge sara solution in do vectors ka linear combination, in do vectors ka span hai na, मैं t1 जो मर्जी लेता हूं, t2 जो मर्जी लेता हूं, x से ले लूं, अगर मैं ऑल पॉसिबल x देखूं तो इन दो वेक्टर्स का स्पैन नहीं है और स्पैन एक स्पेस होगी। यस रिमेंबर, यस, सो वो 2 डायमेंशनल स्पेस होगी बिकॉज़ ये दो स्पैन कर रहे हैं उसको। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है 2 डायमेंशनल स्पेस स्पैन, तो देसी सी बात ये है कि अगर आपके वेरिएबल्स, अगर आपका रैंक बहुत कम होगा, बहुत सारे वेरिएबल्स फ्री होंगे, आपके पास जो जवाब आएगा वो इतने ज्यादा होंगे कि वो सारे के सारे ही कह रहे होंगे मैं भी कैमरा हूँ, मैं भी कैमरा हूँ, मैं वो कैमरा हूँ जिसने मैप किया था, दूसरा कहेगा नहीं मैं वो कैमरा हूँ जिसने मैप किया था, एंड ऑल दीस कैमरास दे विल बी डिफरेंट, दैट्स अ प्रॉब्लम। कोई कोई 3D रिजेक्शन नहीं हो सकेगी, आई मीन यू डू नॉट नो व्हिच कैमरा, देयर आर मल्टीपल कैमरास, बहुत सारे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, सही है। मुझे तो कोई कैमरा चाहिए था जो वो सही है, अब एक दूसरा कैमरा ये था, ये वाला कह रहा मैं हूँ, ये वाला कह रहा मैं हूँ, क्यों? क्योंकि इस कैमरा को एस्टिमेट करने के लिए आपने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं। मेरी बात समझ आ रही? ओके, सो कंडीशन, अगर रैंक 12 से कम हो, अगर रैंक 12 से कम हो यू विल बी हैविंग इनफिनिट कैमरास, और अगर रैंक 11 से कम हो यू विल बी हैविंग इनफिनिट कैमरास इन मल्टीपल डायमेंशंस। अब अगर रैंक एग्जैक्टली 12 हो फिर क्या होगा? अगर रैंक एग्जैक्टली 12 हो तो फिर हर वेरिएबल 0 पे लॉक हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे 0 है ना, अगर रैंक 12 है तो एवरी वेरिएबल इज लॉक्ड, बट बिकॉज़ द राइट हैंड साइड इज 0 एवरी वेरिएबल इज, द वैल्यू ऑफ एवरी वेरिएबल इज 0। यानी इसका मतलब ये है अगर आप एक x फाइंड आउट करना चाहते हैं जो 0 पे मैप हो तो x खुद 0 है। दिस इज ट्रिवियली ट्रू, दिस इज ट्रिवियली ट्रू, लेकिन कैमरा के अंदर सारी एंट्री जीरोस हो नहीं सकती। अगर रैंक 12 है यू हैव नो अदर सॉल्यूशन देन ऑल जीरोस,
ओनली चॉइस लेफ्ट इज रैंक मस्ट बी 11 एक वेरिएबल फ्री करना पड़ेगा एक वेरिएबल फ्री करना पड़ेगा अगर मैं एक भी वेरिएबल फ्री नहीं करता तो जवाब आता है 0 है दैट इज नॉट अ कैमरा 0000000000 दिस इज नॉट अ कैमरा लाइक दिस मेक सेंस ये आखिरी वाली बात समझिए मैं तो बात अगर रैंक इस मैट्रिक्स का 12 हो हां यानी 12 इंडिपेंडेंट रोज हो तो जब मैं सिस्टम को सॉल्व करने जाऊंगा तो सिस्टम को जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा और उसकी मैं रो एथलन फॉर्म बनाऊंगा वो कुछ इस तरह से बनेगी फर्स्ट पिवट ऑल जीरोस हियर सेकंड पिवट ऑल जीरोस हियर जितने भी रोज हैं एंड आई विल बी हैविंग 12 पिवट्स And everything is all zeros here. This is what the form of it. Times x1, x2 till x12, and that is equal to 0, 0, 0. अगर मैं इस equation को rewrite करूँ, तो ये कह रही है, ये सारे zeros हैं बराबर. ये कह रही है, x12 must be 0. अब जब मैं x12 0 यहां पे प्लग इन करूंगा अच्छा वो x11 इज 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा हां जब मैं इन दोनों को 0 प्लग इन करूंगा तो x11 चला जाएगा सो द सॉल्यूशन इज ऑल जीरोस अच्छा वही एंड आई हैव नो अदर चॉइस अगर रैंक 12 होगा फिर बट मल्टीपल कैमरेज कैसे अब कह रहे हैं कि अगर 12 भी हुआ तो मल्टीपल कैमरेज में रहेगा नहीं कह रहा अगर 11 भी 12 हुआ यू हैव नो अदर चॉइस देन 0 सो अगर ये वैलिड कैमरा है तो इसका रैंक कभी भी 12 नहीं होगा या यूं समझ लें कि अगर आपने मेजरमेंट्स जो हैं वो नॉइज फ्री किए हैं यानी आपने जो मेजरमेंट्स किए हैं वो अप टू नैनोमीटर और पिकोमीटर पता नहीं क्या बड़ी एक्यूरेट किए हैं देन रैंक विल नेवर बी 12 इट विल बी स्मॉलर देन 12 अच्छा समझ आ रही है दूसरी चीज अगर आपने इनफ पॉइंट्स किए हैं और वो सारे जनरल पोजीशन में ज्यादा से ज्यादा रैंक विल नॉट बी स्मॉलर देन 11 क्योंकि अगर रैंक 11 से कम होगा देन यू डू नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन समझ आ रही है देन यू हैव एम्बिगुअस सॉल्यूशंस यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशन एंड यू डू नॉट नो व्हिच वन टू पिक अगर रैंक 12 होगा यू हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल यू वांट टू रीच टू 11 सो द रैंक विल बी 11 रैंक विल बी 11 इफ यू हैव इनफ पॉइंट्स एंड द मेजरमेंट्स आर टेकन नॉइज फ्री आई गिव परमिशन Make sense? Yes, sir. Yes, no? Yes. So, you understand what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. साफ सुथरे पॉइंट्स मार असल में ऐसा नहीं होता
प्रैक्टिकल सिचुएशन में यू डू एरर्स, मेजरमेंट एरर्स आर देयर, नॉइज इज देयर. मेक सेंस? इफ नॉइज इज देयर, इफ नॉइज इन द मार्किंग इज देयर, रैंक माइट गो टू 12. दिस ए विल बी हैविंग सर्टेन नॉइजेस. ये जो आपका मैट्रिक्स ए है, इफ इसके अंदर ये जो एक्स एक्स आई और स्मॉल आई है, अगर उनमें मेजरमेंट नॉइज हुई, व्हिच इज प्रैक्टिकली इज द केस व्हिच हैपेंस, क्योंकि नॉर्मली ये जो 3D पॉइंट्स हैं ये भी किसी स्ट्रक्चर से ऑटोमेटिकली गेट हो रहे होते हैं, और ये जो 2D पॉइंट्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली एस्टिमेट हो रहे होते हैं. सो पिक्सल एरर्स, एस्टिमेशन एरर्स दे आर देयर. इवन आप हैंड से भी करें तो एरर माइट बी देयर. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम एरर फ्री. एंड द रिजल्ट विल बी व्हेन वंस यू हैव नॉइज इन देयर यू मे स्टार्ट इन टू रैंक 12 प्रॉब्लम. अब आप ए लेके आ रहे हो, उसका रैंक 12 है, आप नल ऑफ रिकॉल करते हैं, रिजल्ट इज जीरो. समझ आ रही? हालांकि कोई ना कोई कैमरा है जिससे खींचा है, ठीक है. हाँ, थोड़ी सी मैयत करते हुए नॉइज हो गई थी, लेकिन वो क्या कैमरा था यार? अगर एग्जैक्ट कैमरा नहीं आ सकता, गिव मी द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ इट. मेरी बात समझ में आ रही? सर आपने कहा कि अगर रैंक हमारे 12 से कम होगा तो हमारे पास इंफिनिटी वैली कैमरा है. यस. और अगर हमारे पास 11 से कम होगा तो फिर वीवो सर है, वीवो सर है, वी कैन नॉट फॉरगेट कैमरा. वेरी ज्यादा होना चाहिए सर, 11 12 से कम ही इंफिनिट आएंगे, लेकिन ऑल देयर स्केल फैक्टर ऑफ ईच अदर, वो होमोजेनियस स्केल फैक्टर एंड होमोजेनियस इंटरप्रिटेशन, दे ऑल डिपेंड ऑन कैमरा. यस. इंफिनिट इन होमोजेनियस इंटरप्रिटेशन. जी क्लियर है? यस सर. ओके, द एक्चुअल प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू रेज दिस बोर्ड.